Hansavahini Viladharini Hansavahini Viladharini Himana Ganandini Jagata Kalyani Himana Ganandini Jagata Kalyani Jagata Janani Mata Mata Saraswati Sharada Mata Saraswati Sharada Sharada Saraswati Sharada Sharada Saraswati Sharada 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 Mata Saraswati Sharada. Good morning my dear brothers and sisters. Aaj hum log dekhenge narrow band noise, uski properties aur anyway color noise kya hoti hai. देखो नैरो बैंड नॉइस, सबसे पहले नैरो बैंड नॉइस या नैरो बैंड रैंडम प्रोसेस क्या होता है. जैसे कि एक आपकी वाइट नॉइस है ना, और हमने उसको एक नैरो बैंड पास फिल्टर से पास करा, तो जो आउटपुट में जो नॉइज आएगी वो एक नैरो, जो हमारा नैरो बैंड पास फिल्टर था ना, उसी के नैरो बैंड में ही लिमिटेड हो जाएगी. ठीक है, तो जो आउटपुट पे जो नॉइस होगी उसको हम बोलेंगे नैरो बैंड नॉइस. ठीक है, या ऐसा बोलो कि वह जब हमारा सिग्नल आ रहा है कहीं से, उसकी प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं एक नैरो बैंड पास फिल्टर से, तो जो आउटपुट में जो नॉइस आती है उसको हम लोग कहेंगे नैरो बैंड नॉइस. देखो कभी कभी हमारा जो रिसीवर होता है ना कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसमें वो सारी फ्रिक्वेंसी में इंटरेस्टेड नहीं होता है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसी पे वो इंटरेस्टेड होता है कि इस बैंड की फ्रीक्वेंसी में ही हमारा सिग्नल होगा. ठीक है, तो उस बैंड की फ्रीक्वेंसीज को लेने के लिए, उसको फिल्टर आउट करने के लिए वो लोग बैंड पास फिल्टर का यूज करते हैं. अब जो वाइट नॉइस जो हमारी पहले थी, वो हमारी वाइट नॉइस जो थी वो अब उस नैरो बैंड फिल्टर से जाएगी, और तो आउटपुट में जो होगा, जो आउटपुट में जो नॉइज आएगी वो हमारी नैरो बैंड नॉइज होती है. ठीक है, इस तरीके के जो फिल्टर में जो आउटपुट पे जो नॉइज आएगी वो हमारी ही नैरो बैंड नॉइज होगी, क्योंकि जैस. और जो नेक्स्ट चीज जो हम लोगों ने देखी थी कि वाइट नॉइज के बारे में, कि हम लोगों ने बोला था कि वाइट नॉइस और थर्मल नॉइस एक होती है. एक्चुअल में वाइट नॉइस वो होती है जिसकी पीएसडी कांस्टेंट होती है सभी फ्रीक्वेंसीज में, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच में पीएसडी कांस्टेंट होती है. लेकिन क्या ऐसी नॉइस पॉसिबल है? सोचो, अगर पीएसडी कांस्टेंट है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो पूरा हम लोग उसकी नॉइस की पावर निकालने के लिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में इंटीग्रेट करेंगे. देखो नॉइस पावर हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना, नॉइस या कोई भी सिग्नल की अगर पीएसडी दी हो तो उसकी पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी सिग्नल हो, चाहे नॉइस हो चाहे कोई भी सिग्नल हो, तो उसकी पीएसडी को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं. ठीक है, अगर नॉइस सिग्नल है तो नॉइस पावर निकलेगी, और नॉइस की पीएसडी होगी यहाँ पे तो नॉइस पावर निकलेगी. तो अगर हमारा वाइट नॉइस बोलती है भाई कि हमारी पीएसडी कांस्टेंट है पूरी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, तो ऐसे तो भैया उसमें नॉइस पावर इनफाइनाइट होगी, है ना. लेकिन ये फिजिकली रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट पीएसडी ओवर इनफाइनाइट रेंज विल इम्प्लाई इनफाइनाइट पावर. ठीक है, लेकिन तो हम लोग जो थर्मल नॉइस करते थे वो भी हम लोगों ने बोला कि वो वाइट नॉइस, वो इसलिए बोला वाइट नॉइस, वो और ये वाइट नॉइस एक ही चीज़ है. पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने बोला, जब थर्मल नॉइस पढ़ा भी रहे थे तब भी हमने उसी में ही स्लैश करके वाइट नॉइस भी लिखवा दिया था ना, याद है आपको.
तो उसमें हमने थर्मल नॉइस में इसलिए बुलाया कि वो वाइट नॉइस है, क्योंकि उसकी जो पीएचडी होती है वो लगभग बहुत कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, लगभग 10^12 से 10^15 हर्ट्ज तक वो कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये जो कांस्टेंट होती है मतलब आपकी 10^12 से 10^15 की, और वाइट नॉइस जो होती है उसकी पीएसडी कांस्टेंट होती है -∞ से +∞ के बीच में। ठीक है, और जो थर्मल नॉइस है उसकी जो होगी वो लगभग 10^15 -10^15 से +10^15 के बीच में, तो ये काफी रेंज कवर कर लेती है। तो हमारी जो होती है, हम लोग ज्यादातर थर्मल नॉइस को ही सीधे सीधे बोल देते हैं कि ये हमारी क्या है, वाइट नॉइस है, इसलिए बोल देते हैं क्योंकि काफी रेंज 10^-10^15 से +10^15, ये 10^12 से 10^15 तक की इसकी रेंज होती है। यहाँ पे 10^12 भी हो सकता है ना, मतलब कुल मिला के बात ये कि 10^12 से 10^15 तक की रेंज होती है हर्ट्ज में। तो आपकी ये बहुत -∞ से ∞ नहीं तो नहीं है, लेकिन काफी रेंज कवर कर लेती है थर्मल नॉइस में, तो इसलिए हम लोग इसको थर्मल नॉइस को ही हमेशा वाइट नॉइस, थर्मल नॉइस कहीं भी आ रहा था तो हम उसको सीधे वाइट नॉइस की तरह ही ट्रीट करते थे। तो वाइट नॉइस एक्चुअल में क्या होती है, जिसकी पीएचडी कांस्टेंट होती है पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज में, मतलब -∞ से ∞ के बीच में पूरा कांस्टेंट होगा। थर्मल नॉइस भी में भी कांस्टेंट होता है, बहुत लंबी फ्रीक्वेंसी रेंज से कांस्टेंट रहता है, मतलब 10^12 से 10^15 हर्ट्ज तक की कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये एक वाइट नॉइस एक कॉन्सेप्ट है, और थर्मल नॉइस हम कह सकते हैं कि उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, वाइट नॉइस प्रैक्टिकल पॉसिबली नहीं होती है, पॉसिबल नहीं होती है। ठीक, अगर हम कोई छोटी सी फ्रीक्वेंसी रेंज ले तो उसके लिए उसमें ऐसे लगेगा 10 10 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज, तो इसको लगेगा कि ये जो हमारी थर्मल नॉइस है वो कांस्टेंट ही रहेगी इस रेंज में, है ना, कि 10 हर्ट्ज से 10^3 हर्ट्ज के बीच में तो कांस्टेंट रहेगी, है ना। एक हमने लिया तो इसको लगेगा कि थर्मल नॉइस और वाइट नॉइस एक ही चीज है इस फ्रीक्वेंसी रेंज में जो सिग्नल होगा। लेकिन अगर हम बहुत डिटेल में देख, अगर हम सही में देखें तो थर्मल नॉइस केवल 10^15 तक ही हर्ट्स तक ही हो रहेगी इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कांस्टेंट पीएचडी रहेगी, और वाइट नॉइस जो होती है वो उस कॉन्सेप्ट उसका ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो पूरी कांस्टेंट ही रहती है पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज में। ठीक है, और वाइट नॉइस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। तभी हम लोगों ने बोल दिया था कि थर्मल नॉइस और व्हाइट नॉइस एक ही चीज है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे नैरो बैंड नॉइस के बारे में पढ़ रहे थे, कहाँ पहुंच गया थर्मल नॉइस और व्हाइट नॉइस के बारे में हल्का हल्का बताने। तो नैरो बैंड नॉइस के बारे में आप समझ गए कि जब हम इस तरीके की, ये लगभग आप थर्मल नॉइस जो है उसको आप जो हम लोग जो फ्रिक्वेंसी बैंड कंसिडर करते हैं वो 10^15 से छोटा ही होता है ना, तो उसके लिए कॉन्स्टेंट ही रहेगी। तो हम लोग देखेंगे भाई कि देखने में हमें यह पता चलता है कि जो वो आपकी जैसे ये थर्मल नॉइस या वाइट नॉइस जब किसी बैंड पास फिल्टर से पास होगी, है ना, कोई बैंड पास फिल्टर से जब पास होती है तो ये क्या हो जाती है, बैंड लिमिटेड हो जाती है। और अगर ये बैंड पास फिल्टर जो है नैरो बैंड है, मतलब इसकी ये नैरो बैंड का मतलब क्या हुआ, पहले अब इसको बताते हैं जरा। नेक्स्ट, देखो जैसे क्या है, अगर जैसे ये हमारा बैंड पास फिल्टर है 0, ये उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी है, और ये उसके लिमिट है fc+w और fc-w, है ना। w जो है वो बहुत छोटा है fc से, w बहुत छोटा है fc से, मतलब कि ये जो fc+w और fc-w, ये w या 2w, मतलब उसकी जो बैंड विथ होती है ये 2w कर लो, या इसको आप ऐसे कर सकते हो कि बैंड विथ जो होती है वो बहुत छोटी होती है fc से। तो इस तरीके का हमारा नैरो बैंड पास फिल्टर एक हम लोगों ने यूज किया। इस पे हम लोगों ने एक व्हाइट नॉइस या थर्मल नॉइस को पास करा, फिर
फिर जब थर्मल नॉइस इससे पास होगी तो इसका स्क्वायर होके इसमें मल्टीप्लाई होगा, और तो हमारी आउटपुट में जो नॉइस बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनती थी। ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, एफ सी, ठीक, ये हमारी आउटपुट की पीएसडी हो जाएगी जब हम लोग इसको, ये हमारी वाइट नॉइस को इस बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे तो हमारी आउटपुट की जो नॉइस होगी वो इस तरीके से बनेगी, इस तरीके की बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें गौर करने वाली होती हैं कि एफ सी जो होगी वो हमारी बैंडविड्थ से बहुत बड़ी होगी, सेंटर फ्रीक्वेंसी जो होगी, जो ये एफ सी जो सेंटर फ्रीक्वेंसी होगी बैंड पास फिल्टर की, ये हमारी बैंडविड्थ से बहुत बड़ी होगी। सेंटर फ्रीक्वेंसी शुड बी हाई कंपेयर टू बैंडविड्थ और पी एस डी शुड बी डिफाइंड फॉर ए फाइनाइट फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है। तो ये फाइनाइट फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, ये नहीं कि ये इनफाइनाइट, जैसे ये इनपुट में थे, इनपुट में जो थी वो पी एस डी इनफाइनाइट माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी के बीच में जा रही थी, लेकिन ये जो है ये इस पी एस डी केवल एफ सी माइनस डब्ल्यू से एफ सी प्लस डब्ल्यू के बीच में ही है। तो ये पी एस डी जो है वो हमारी फाइनाइट फ्रीक्वेंसी बैंड के बीच में है, और जो सेंटर फ्रीक्वेंसी वो बैंडविड्थ से बहुत बड़ी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नॉइस आउटपुट में आई है, ये जो आउटपुट में जो पीएसडी आई है, ये हमारी नैरो बैंड नॉइस है या नैरो बैंड रैंडम प्रोसेस है, ठीक है, नैरो बैंड रैंडम प्रोसेस या नैरो बैंड नॉइस है, क्योंकि नॉइस भी एक रैंडम प्रोसेस है। तो हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि कोई रैंडम प्रोसेस है जिसका पीएसडी जो है एक फाइनाइट फ्रीक्वेंसी बैंड के बीच में है, और जो उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो बैंडविड्थ से काफी बड़ी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो प्रोसेस है ना, वो हमारा नैरो बैंड रैंडम प्रोसेस है। अगर हम इस तरीके के नैरो बैंड रैंडम प्रोसेस को ऑस्किलोस्कोप पे देखें तो हमें लगेगा कि ये एक साइनसोइडल सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड और फेज बराबर चेंज होता जा रहा है, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड और फेज बराबर चेंज हो रहा है, रैंडम मैग्नीट्यूड और फेज वेरिएशन हो रहा है इसमें, ठीक। तो अगर हम नैरो बैंड रैंडम प्रोसेस को अगर हम ऑस्किलोस्कोप पे देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये साइनसोइडल सिग्नल है जिसका रैंडम एम्पलीट्यूड है, रैंडम फेज है। तो इस स्लाइड से हमें इतनी चीजें क्लियर हुई कि नैरो बैंड रैंडम प्रोसेस या नैरो बैंड नॉइस क्या होगी, जब हमारी ये व्हाइट नॉइस बैंड लिमिटेड सिग्नल से पास होगी तो वो नैरो बैंड पास सिग्नल से पास होगी, जो नैरो बैंड पास फिल्टर है, तो हमारा आउटपुट में जब नॉइस आएगी वो नैरो बैंड नॉइस आएगी। तो नैरो बैंड नॉइस होने के लिए दो कंडीशन सबसे जरूरी है कि जो पीएसडी है वो आपकी फाइनाइट शुड बी डिफाइंड फॉर फाइनाइट फ्रीक्वेंसी बैंड, और सेंटर फ्रीक्वेंसी जो है बैंडविड्थ से बड़ी होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। तो ये हो गए हमारी दो कंडीशन जिसके लिए हम, जिसको देख के हम बता सकते हैं कि ये हमारी जो नॉइस है वो, पहले नॉइस की आप पीएसडी देखिए वो फाइनाइट फ्रीक्वेंसी बैंड पे है, और उसकी जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो उसकी बैंडविड्थ से कब बड़ी है कि नहीं है, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये नॉइस हमारी नैरो बैंड नॉइस है, वरना नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, अब हम लोग इसको जो नैरो बैंड नॉइस जो हमारी आई है एंटी, उसको हम लोग एंटी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो नैरो बैंड नॉइस है इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे करेंगे, इसको हम लोग क्वाड्रेचर रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, वो अभी समझ में आ जाएगा कैसे। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक इनफेस कंपोनेंट और एक क्वाड्रेचर कंपोनेंट, बीच में माइनस साइन रहता है। तो नैरो बैंड नॉइज जो आती है उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एनआईटी कॉस 2 पाई एफ सी टी माइनस एनक्यूटी साइन 2 पाई एफ सी टी, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमारी नैरो बैंड नॉइज जो आती है। तो एनआईटी जो होता है वो इनफेस कंपोनेंट होता है नॉइज का, और ये क्वाड्रेचर कंपोनेंट होता है नॉइज का। एफ सी जो वही है हमारी सेंटर फ्रीक्वेंसी, जिस सेंटर फ्रीक्वेंसी पे हम लोगों ने वो फिल्टर लगाया था ना, जो फिल्टर लगाया था ना, ये एफ सी, या मतलब कि जो नॉइस, या आप ऐसा कह सकते हो कि जो नॉइस की जो फिल्टर नहीं, अगर आपको सिंपली नॉइस दी है, पुरानी हिस्ट्री नहीं दी हुई है कि हमने वाइट नॉइस को इतना पास करके ये नॉइस निकाली, सीधे आपको ये दी कि नैरो बैंड नॉइस है, उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है, तो सेंटर फ्रीक्वेंसी जो होगी वही हमारी एफ सी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो आप इसमें से इन फेज
ये इसका इनवलप भी लिख सकते हो, है ना, इनवलप इस नॉइस का क्या होगा, एन आई स्क्वायर टी प्लस एन क्यू टी का होल स्क्वायर। इसका इसका फेस कैसे होगा, फेस आप निकालो तो थीटा टी इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस एन माइनस ऑफ एन क्यू टी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो इसलिए माइनस ऑफ एन क्यू टी अपॉन एन आई टी होगा, ठीक है। और नैरो बैंड नॉइज जो है हमारी जो एंटी है ये जीरो मीन होती है और गॉसियन नेचर में होती है, और जो इसका इनवलप होता है ये इनवलप ये हमारा रेली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और उसका फेस जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये लोग आप अपना लॉजिक भी लगा सकते हो कि इसमें कि ये इनवलप को आपका रेली पीडीएफ क्यों होगा, इनवलप का जो पीडीएफ होगा वो रेली पीडीएफ क्यों होगा, और जो थीटा टी होगा वो उसका यूनिफॉर्म पीडीएफ क्यों होगा। ये सोचना आप लोग, हमने जब रेली और यूनिफॉर्म पीडीएफ पढ़ाया था ना, तो उस वाले लेक्चर को देखना, फिर सोचना कि इसके क्यों होगा, ठीक है। कुल मिला बात आपको यहाँ पे नोट करने वाली ये कि जो नैरो बैंड नॉइस है वो जीरो मीन होता है, गॉसियन नेचर में होता है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी, कि सबसे पहले एनआईटी और एनक्यूटी ये जो होते हैं ये स्लोली वेयरिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं, ठीक है। एनटी इज बाय नेचर अ बैंड पास सिग्नल, एनटी तो हमारे पता है कि बैंड पास सिग्नल है, वो इस तरीके का, उसकी पीएसडी भी इस तरीके की है, तो हमें पता है ये बैंड पास सिग्नल है, ये इसकी पीएसडी है एनटी की, है ना, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, तो हमें पता है ये बैंड पास सिग्नल होता है। और एनआईटी और एनक्यूटी जो होते हैं वो लो पास सिग्नल होते हैं, है? ये याद है कि पीएसडी ये एनटी तो हमारा बैंड पास है, लेकिन ये तो भाई साहब हमारे लो पास सिग्नल होते हैं। नेक्स्ट ये सीधे सीधे इसकी प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ लीजिए, है ना, ज्यादा डिटेल में क्यों कैसे हुआ उस पर ज्यादा ना ध्यान दीजिए, सीधे सीधे प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए और उस पर सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एनआईटी और एनक्यूटी का जो होता है वो सेम पीएसडी होती है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी सेम होती है, ठीक है। और एनआईटी इसकी पावर, अब तक हमें उसकी पीएसडी तो पता चल गई थी, ये इसकी पीएसडी तो पता चल गई थी कुछ इस तरीके से होगी, बीच में एफसी होगा, है ना, ये हमारी एनटी की पीएसडी थी, एनटी की पीएसडी थी ना, एनटी की पीएसडी थी ये थी। अब लेकिन हमें एनआईटी और एनक्यूटी की पीएसडी नहीं पता, एनआईटी और एनक्यूटी की पीएसडी निकालने का फॉर्मूला ये है कि एसएनआईएफ इक्वल टू एसएन, मतलब एसएनआई का मतलब एनआईटी की पीएसडी, एनक्यू एसएनक्यूएफ का मतलब एनक्यूटी की पीएसडी इक्वल टू एसएन नॉट एफ माइनस एफसी प्लस एसएन नॉट एफ प्लस एफसी। और ये कब होगा, जब माइनस डब्ल्यू से डब्ल्यू फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी वो माइनस डब्ल्यू से डब्ल्यू के बीच में है और जीरो अदरवाइज, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी माइनस डब्ल्यू से डब्ल्यू के बीच में होगी तब हमारी इसकी वैल्यू होगी एस एन नॉट एफ माइनस एफ सी प्लस एस एन नॉट एफ प्लस एफ सी और जीरो अदरवाइज। तो यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी सेम है और वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में आ जाता है सीधे सीधे इसमें निकालने को, कि ये जो इन फेज कंपोनेंट है, क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट है, इनकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैसे निकालोगे, ये मतलब निकालने के लिए कुछ सीधे न्यूमेरिकल वो लोग पूछ लेते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एन नो, हाँ अब ये एस एन नॉट एफ क्या है, ये वाली ये है जो हम लोगों ने एन टी की जो पी एच डी निकाली थी ना, उसको हम लोगों ने एस एन नॉट एफ से डिनोट करा, ठीक। चाहे तो आप एस एन, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधे आप एस एन एफ से डिनोट भी कर सकते हो, एस एन यहाँ पे नॉट नॉट हटा दो, एस एन एफ माइनस एफ सी प्लस एस एन एफ प्लस एफ सी, ठीक है। तो ये एस एन एफ लिख लो नीचे, एस एन एफ क्या है हमारा, एन टी की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, ठीक है, एन टी की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, उसको पहले एस एन एफ माइनस एफ सी निकालना और फिर एस एन एफ प्लस एफ सी निकालना, दोनों पावर स्पेक्ट्रल पहले एफ सी से शिफ्ट करो इधर निगेटिव बोलो पॉजिटिव साइड में, फिर निगेटिव साइड में, फिर आप उन दोनों को प्लस कर दो और जो प्लस करके जो भी कंपोनेंट आए उस वो माइनस डब्ल्यू से डब्ल्यू के बीच में जो फ्रीक्वेंसी हो उसके वो वाला कंपोनेंट ले लो, बाकी सबको जीरो कर दो, है ना। जब प्लस करोगे तो कोई सिग्नल आएगा, तो जब आपका माइनस डब्ल्यू से डब्ल्यू के बीच में जो कंपोनेंट आ रहा हो प्लस करके, तो उसको ले लो बस खाली, बाकी सबको जीरो कर दो,
तो हमें क्या मिल जाएगी, इन दोनों की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल जाएगी, एस एन आई एफ इन फेज कंपोनेंट की और क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, एनआईटी और एनक्यूटी का सेम वेरिएंस है एज द नैरो बैंड नॉइस। हम लोगों ने, हाँ, इनका वेरिएंस सेम होता है, वही होता है जो हमारा एनटी का होता था, नैरो बैंड नॉइस का जो वेरिएंस होता था, वही जो इसका वेरिएंस होता था वही हमारा इसका और इसका भी वेरिएंस होगा। हाँ, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये इंडिपेंडेंट गॉसियन रैंडम वेरिएबल होते हैं जिनका मीन जीरो होता है और वेरिएंस सिग्मा एस स्क्वायर होता है। इसका एनवलप हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं, ये रेले डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और जो फेस होता है वो हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हम लोग अभी देख चुके हैं। नेक्स्ट है, अगर एंटी गॉसियन है तो एनआईटी और एनक्यूटी भी ज्वाइंटली गॉसियन होगी, अगर एंटी स्टेशनरी है तो एनआईटी और एनक्यूटी भी ज्वाइंटली स्टेशनरी प्रोसेस और रैंडम प्रोसेस होंगे। चलिए, अब नेक्स्ट है, थोड़ा हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच अप्लाई करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक हमारा बैंड पास फिल्टर है ना, जिसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी एफ सी है और ये एफ सी माइनस डब्ल्यू से एफ सी प्लस डब्ल्यू के बीच में है। इसकी उसका आइडियल है अभी ये बैंड पास फिल्टर, और इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो एस एन नॉट एफ इक्वल टू मॉड ऑफ एच एफ का होल स्क्वायर एस एन आई एफ होगा। ठीक, ये आउटपुट अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि एक वाइट नॉइस को पास कर रहे हैं, इस बैंड पास फिल्टर में एक वाइट नॉइस को पास कर रहे हैं जिसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ईटा बाई 2 है। तो आउटपुट में जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगी वो क्या होगी, मॉड ऑफ एच एफ का होल स्क्वायर एस एन आई एफ, यानी कि जब हम लोग इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगी हमें, ये आउटपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिलेगी एफ सी प्लस डब्ल्यू से एफ सी माइनस डब्ल्यू के बीच में ईटा बाई 2 का मैग्नीट्यूड लेके, ये भी एफ सी माइनस एफ सी माइनस डब्ल्यू से माइनस एफ सी प्लस डब्ल्यू के बीच में ईटा बाई 2 का मैग्नीट्यूड लेके आए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इन फेज और अभी इन फेज और क्वाड्रेचर फोर्स नहीं, उससे अभी हमने पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाली है। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाल ली है हम लोगों ने आउटपुट की, ठीक है, आउटपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाल ली है जो हमें इससे आउटपुट की। तो एन नॉट का मतलब वो एन ओ का मतलब यहाँ पे क्या है कि आउटपुट है केवल, है ना, तो इसीलिए हम लोगों ने एन ओ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, हम लोगों ने आउटपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाल ली है। तो ये हमारी जो एंटी नॉइस, जो अब ये जो है हमारी क्या है, अब ये हमें समझ में आ रहा है कि ये एंटी जो है वो हमारी नैरो बैंड, ये हमारा नैरो बैंड नॉइस है। ठीक है, नैरो बैंड नॉइस है इसकी पावर, क्योंकि इस पर देखो जो इसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी है वो इसकी, वो एफ सी जो है इसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी वो हमारी 2W से बहुत बड़ी है। ठीक है, और ये बैंड लिमिटेड है, इसकी जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी वो बैंड लिमिटेड है एफ सी माइनस डब्ल्यू से एफ सी प्लस डब्ल्यू के बीच में इसकी बैंडविड्थ है। तो आपका ये बैंड लिमिटेड है और इसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी, तो ये हमारी नैरो बैंड नॉइस हो गई। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट है हमको क्या करना है, हमें इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल गई तो हम इसका ऑटोकोरिलेशन फंक्शन भी निकाल ले रहे हैं। तो ऑटोकोरिलेशन फंक्शन निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करा, चलो सिंपली आप इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कर लो ना पीएचडी का। अब आप ऑटोकोरिलेशन फंक्शन इस नॉइस का निकालने के लिए इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कर लो, किसका, एस एन नॉट एफ। अब आउटपुट में जो नॉइस आ रही है उसका ऑटोकोरिलेशन, जो आउटपुट में जो नॉइस अब आ रही है उसका हम ऑटोकोरिलेशन फंक्शन निकाल रहे हैं। तो जो आउटपुट में जो नॉइस है उसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कर ले रहे हैं। ठीक, तो आउटपुट फिर हम लोगों ने इसी को सॉल्व करा, वैल्यू पुट करी कि दो ही बैंड में है। अब ये माइनस होता इंटीग्रेशन, हम वो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हम लोग जो करते हैं ना, क्या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एस एन नॉट एफ ई की पावर जे टू पाई एफ टाउ डी एफ, ये करते हैं। अब हम लोग क्या होगा कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये
रहेगा नहीं, खाली दो पार्ट में टूट जाएगा, एक माइनस एफ सी माइनस डब्ल्यू से माइनस एफ सी प्लस डब्ल्यू, और दूसरा पार्ट क्या होगा एफ सी माइनस डब्ल्यू से एफ सी प्लस डब्ल्यू के बीच में, केवल इन्हीं दो पार्ट में इसके कुछ वैल्यू है एस एन नॉट एफ की, वरना बाकी सब में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, मतलब जीरो वैल्यू है, तो बाकी सब में तो ये टूट गया दो पार्ट में, यहाँ पे ये टूट गया। फिर इसको आप सॉल्व करो तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी एंड में, इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा कॉस टू पाई एफ सी टाउ, यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल आप कर चाहे तो आप देख सकते हो, ठीक है। आप सिंपली क्या करो, इसको या इसको सॉल्व कर लो चाहे तो, है ना, या दूसरा तरीका आप, ये तो हो गया कि आप इसको पूरा इंटीग्रेट करो, है ना, इस तरीके से जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। दूसरा तरीका ये कर सकते हो आप कि इसका हमें इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है, है ना, तो ये इसका शिफ्टेड वर्जन है, हम लोग फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा e की पावर, जैसे कि ये हम लोगों ने इधर साइड में शिफ्ट करा, तो ये हो जाएगा e की पावर एक सेकेंड, हाँ फ्रीक्वेंसी में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर रहे हैं f माइनस एफ सी ये कर रहे हैं, तो ये वाला मिलेगा, तो इस वाले फ्रीक्वेंसी, इसको बस खाली यही चीज है, इसको बस खाली ये चीज, यही चीज है बस खाली, इसको हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया इधर f माइनस एफ सी कर दिया है कुल मिला के, है ना, फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या होता था आपका ये साइन चेंज हो जाएगा, तो j 2 पाई एफ सी टाउ यहाँ पे आ जाएगा बस खाली e की पावर ये वाला टर्म, अगर ये मतलब कि हम यारा कहने का मतलब ये है कि ये अगर आपकी पी एच डी है एस एन है, ठीक, तो केवल इस वाले को देखो, तो एस एन वन एफ कर दो, ठीक है एस एन वन, तो ये चीज क्या है एस एन वन एफ माइनस एफ सी है, ठीक है, ये चीज केवल इस वाले को नहीं देखना है, एस एन वन एफ माइनस एफ सी है, तो इसका इसका जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो e की पावर j 2 पाई एफ सी टी, और जो एस एन वन का जो होता था SN1T ये आ जाएगा ना, इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो यही हम लोग, इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म आता था ये ईटा डब्ल्यू, तो ईटा डब्ल्यू सिंह टू डब्ल्यू टी, इसका ये वाला टर्म आ गया e की पावर j 2 पाई एफ सी टी, उसी तरीके से ये वाले टर्म के लिए e की पावर माइनस j 2 पाई एफ सी टी आ जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है SN1 F प्लस एफ सी है, तो इसके इसके कारण क्या आएगा e की पावर माइनस j 2 पाई एफ सी टाउ एस एन वन टी, ठीक, तो ये आपका एस एन वन टी था, तो हमें इतना लंबा इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि हमें इसका तो पता ही था कि ये ईटा डब्ल्यू सिंह टू डब्ल्यू टाउ का, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी निकाला था इस तरीके का, ये जब लो पास फिल्टर से पास करते थे तो उसका ऑटोकोरिलेशन फंक्शन में और उसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करते थे तो ये आता था, तो इसका पता था, तो हम लोग इसका निकालने के लिए बस खाली उसको फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट था, तो उसके कारण ये वाले टर्म इसमें आ जाएंगे बस, और कुछ नहीं, ये बस खाली इसमें फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये वाले टर्म बस खाली आ जा रहे हैं, तो इसमें ये दो टर्म आ जाएंगे। अब इन दो टर्म को आप सॉल्व करो तो ये कॉस वाला टर्म बन जाएगा, कुछ ऊपर ऊपर टू और नीचे टू से डिवाइड करके ये कॉस वाला टर्म बन जाएगा, ठीक है, ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ सी टी ई की पावर जे टू पाई एफ सी टाउ, तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करो तो ये कॉस वाला टर्म बना देंगे ये वाला, तो ये हमारे इस ये हमारा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन की वैल्यू आ गई है, ये इसमें आर एन टाउ स्क्वायर टू हमारा आ गया टू ईटा डब्ल्यू सिंक टू डब्ल्यू टाउ कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टाउ, ये दो ये इसमें कोसाइन का एक टर्म आ गया है, ठीक, कोसाइन का ये टर्म आ गया है ना, इसके कारण थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, इस वाले को आप बॉक्स में कर लो, ठीक, चलो, तो इसको आप हमें इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हम निकाल चुके हैं, अब हमें क्या करना है, हमें ऑटो कोरिलेशन फंक्शन निकाल लिया है,
जो बैंड लिमिटेड। अब हमें एक चीज रह गई है, वो क्या था कि हमें इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता थी, इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता है आउटपुट नॉइस की, लेकिन अभी हमें इन फेस और क्वाड्रेचर फेस कंपोनेंट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी नहीं निकाली है। चलो अगर वो भी पूछ लिया जाए, इन फेस और क्वाड्रेचर फेस कंपोनेंट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालने को पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? हमें इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाल चुके हो, तो इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी से दोनों की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि SNIF और SNQF मतलब दोनों की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी सेम होती है। वो कितनी होती है? SN नॉट F माइनस FC प्लस SN नॉट F प्लस FC माइनस W से W के बीच में जब F है जीरो अदरवाइज। तो चलो अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले हमें SN नॉट F माइनस FC निकालेंगे, फिर SN नॉट F प्लस FC निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और फिर जो रेंज केवल माइनस W से W के बीच में होगी उसको ले लेंगे, बाकी सबको जीरो कर देंगे। ठीक है, देखो ये SN नॉट F था, SN नॉट F माइनस FC जब करेंगे तो ये FC से शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब कि ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हमारा इस तरीके से बन गया जीरो, ये 2FC पे पहुंच गया। और SN नॉट F प्लस FC करा तो ये चीज हमारी इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये चीज हमारी यहाँ पहुंच गई और ये हमारा माइनस 2FC पे पहुंच गया। अब इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करा तो ये माइनस W से W के बीच में होगा और दूर कहीं पे, अभी हम खाली ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं दूर पे इस तरीके से होंगे ये दोनों भी, ये माइनस 2FC पे और ये 2FC पे। लेकिन हम लोग जब वो लेते हैं SNI और SNQF की जब वैल्यू लेते हैं, अभी खाली ये जो चीज़ है ये दोनों को ऐड करा है, एस एन नॉट एफ माइनस एफ सी और एस एन नॉट एफ प्लस एफ सी दोनों को ऐड करा, तो हम लोग इसकी वही वैल्यू लेते हैं जो माइनस डब्ल्यू से डब्ल्यू के बीच में होती है, बाकी सारी वैल्यूज को हम लोग जीरो कर देते हैं। तो SNI की जब वैल्यू लेंगे तो इसमें केवल यही वैल्यू बचेगी खाली, और बाकी सारी ये सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। ठीक है, ये होंगी इसकी, ये जो एस एन नॉट एफ माइनस एफ सी और एस एन एस नॉट एफ प्लस एफ सी में से हम लोग वही वैल्यू लेते हैं जो माइनस डब्ल्यू से डब्ल्यू के बीच में होती है, तो ये हमारा एस एन आई एफ इज इक्वल टू एस एन क्यू एफ की वैल्यू आ जाएगी, ये ईटा आ जाएगी, ईटा बाई टू दो बार ऐड होगा तो ये ईटा हो जाएगा, ईटा जब माइनस डब्ल्यू से डब्ल्यू के बीच में जीरो अदरवाइज। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला जो था ना, ये देखो इसमें एस एन नॉट एफ माइनस एफ सी प्लस एस एन नॉट एफ प्लस एफ सी की वही वैल्यू ली है जो माइनस डब्ल्यू से डब्ल्यू के बीच में है। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे? ये हमारा ये जो बैंड पास सिग्नल है ना उसकी, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो बैंड पास सिग्नल एफ सी माइनस डब्ल्यू से एफ सी प्लस डब्ल्यू के बीच में वैरी कर रहा था। ठीक है, तो वो हमारा बैंड पास सिग्नल की बैंडविड्थ थी 2W। ठीक है, ऐसे समझ लो बैंडविड्थ जो थी बैंड पास सिग्नल की वो 2W थी, तो W वहां से आया। ठीक, तो ये सब हो गया। तो हाँ, अब इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल गई है तो इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये एक रेक्टेंगुलर है, तो इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एक सिंक होगा, वो क्या होगी उसकी वैल्यू? ईटा 2ETA B 2W tau। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 2ETA W sinc 2W tau। ठीक, 2ETA W sinc 2W tau ये हो जाएगा आपका इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ठीक है, चलिए ये सब चीजें हो गई आपकी, और तो हम ये सब ये वाला तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि अगर एंटी वाइड गॉसियन नॉइस है, अगर हम लीनियर नैरो बैंड फिल्टर से पास करा तो NIT और NQT जीरो मीन गॉसियन प्रोसेस होगा और इसका एनवलप रेलिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आज आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, कि उसका इनफेज और क्वाड्रेचर फेस जो कंपोनेंट होगा वो कैसा होगा, इंडिपेंडेंट जीरो मीन गॉसियन प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, मतलब ऑप्शनल टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो इन्वेलप होगा वो रेलिंग होगा,
और फेस जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, कलर नॉइस से लास्ट टॉपिक बचा है इसमें। कलर नॉइस, जब नॉइस हमारी एक, जैसे हमने वाइट नॉइस पढ़ा था, वाइट नॉइस जो थी सारी फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट करती थी बराबर, उसकी पीएसडी जो होती थी वो कांस्टेंट होती थी सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए। कलर नॉइस होती है वो केवल एक नैरो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही, मतलब कोई एक बैंड जो होगा फ्रीक्वेंसी का उसी को ही आप वो जो होगी वो अफेक्ट करेगी। वो भी कह सकते हो कि जैसे थर्मल नॉइस जो है वो तो बहुत लंबे बैंड को इफेक्ट करती है ना, तो हम लोग उसको थर्मल नॉइस और वाइट नॉइस एक ही जैसे करते हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कलर नॉइस जो होती है वो केवल एक नैरो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ही अफेक्ट करती, बाकी फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट नहीं करती है। तो हम लोग एक इस तरीके की जो नॉइसेस होती हैं जो केवल एक नैरो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट करें उनको हम लोग कहते हैं कलर नॉइस। और वो जो नॉइस जो बहुत ही बड़े बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करें या इनफाइनाइट, मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करें, सॉरी फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट करें, सॉरी फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट करते हैं, तो उस वाली नॉइस को बोलते हैं वो हम वाइट नॉइस, जो सभी फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट करती है वो वाइट नॉइस, जो केवल एक नैरो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट करती है वो कलर नॉइस। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉइस टेम्परेचर पढ़ेंगे, नहीं नॉइस टेम्परेचर पढ़ना नहीं, नॉइस बैंडविड्थ पढ़नी है, नॉइस टेम्परेचर तो हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें नॉइस बैंडविड्थ पढ़नी है, फिर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, अगर मैंने कहीं पे गलत पढ़ा दिया हो तो वो भी बता दीजिएगा, और प्लीज़ अगर आप लोग सपोर्ट कर सके तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमको फाइनेंशियली में www.upreceptorswan.com पे जाके एक सपोर्ट नाम का पेज होगा उस पर आप प्लीज़ सपोर्ट कर सके, अगर सपोर्ट करें ताकि हम इस तरीके के लेक्चर और बनाते रहें हर समय। और अप्रिसेप्टर स्वान हिंदी ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, इस पर जो वीडियोस हैं अप्रिसेप्टर स्वान हिंदी ये हमारा यूट्यूब चैनल है का नाम है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। माता सरस्वती विद्यानारी दुःखहरणि जगत जननी माता सरस्वती शारदा।